हे गाइज, वेलकम बैक टू क्वार्टर। कैसे हो आप सब? सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक। सो कैसी लग रही है ये वाली मेकअप लुक, बताना जरूर, ठीक है? एंड जो मैंने ज्वेलरी वेयर की है वो ग्लो रोड से है। मैं जल्दी इसका फुल वीडियो लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे। ये लुक आपको कैसे लग रही है वो भी आप बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज, बताना कि मैंने अपने हेयर्स शॉर्ट करवा ले हैं अभी, समर्स है तो मैंने शॉर्ट करवा लिया, बिकॉज मुझे समर में शॉर्ट हेयर ही पसंद है, ठीक है? तो कैसे लग रहे हैं मेरे फेस पे बताना जरूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड ये लुक बारे भी बताना आपको कैसी लगी। सो जल्दी से इस लुक को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने स्किन केयर कर रखी थी, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मी के वेट वाइप्स। आपके पास जो हैं वो यूज़ कर सकते हो, नहीं आप सिंपल अपनी स्किन केयर करने के बाद इस लुक को कर सकते हो। ओके, अच्छे से मैंने पूरे फेस को वेट वाइप्स के साथ अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ ये है मामा अर्थ की स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस क्रीम। सो गाइज, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हो, मैंने स्किन इल्यूमिनेटिंग प्लस मामा अर्थ की जो डेली ग्लो क्रीम है दोनों का रिव्यू किया है, ठीक है? सो आपको दोनों बाय करने की नीड नहीं है, वर्क दोनों का सेम है। आपके स्किन पे थोड़ी सी शाइनिंग दे देता है, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हो, ठीक है, हल्की सी शाइनिंग आ जाती है जैसे आपका फेस अंदर से ग्लो कर रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इस टाइप की जो लूमी क्रीम्स होती हैं अगर उन्हें आप लगाते हैं तो आपको जो हाइलाइटर है वो कम लगाना होता है, ठीक है? तो आप हाइलाइटर स्किप कर सकते हो, इनका मेन मकसद यही होता है। सो उसके बाद गाइज, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये है गार्नियर की बीबी क्रीम। अगर आप चाहो तो आप फाउंडेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं बीबी क्रीम ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये डे मेकअप लुक है। एंड वैसे भी मैं ज़्यादा फाउंडेशन पर्सन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल जो शॉर्ट शॉर्ट डॉट्स हैं वो अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। मैं हाथ से ही इसे ब्लेंड करती हूँ, ठीक है? पूरा अभी आपको पता होगा अगर आप मुझे कंटिन्यूसली वॉच करते हो, तो मैं अपना पूरा जो फाउंडेशन होता है या फिर बीबी क्रीम होता है वो मैं हाथ से ब्लेंड करना प्रेफर करती हूँ, ठीक है? कभी कभार ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेती हूँ, बट हर बार मैं हाथ से ही प्रेफर करती हूँ। इसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ठीक है? एंड उसके बाद गाइज, हम अपने पूरे बेस को अच्छे से लॉक कर लेंगे। वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की सेटिंग स्प्रे। अगर आप चाहो तो आप पोर्ट्स के लिए, अगर आपके स्किन पे पोर्ट्स हैं, ठीक है, पोर्ट्स की प्रॉब्लम है, तो आप जो हमारा प्राइमर होता है वो लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है, ज़्यादा बेस हैवी नहीं किया है मैंने, ठीक है? सो उसके बाद गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये दो पफ मैंने अमेजोन से बाय किए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, दो बार मैंने वॉश कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, अभी तक ख़राब नहीं हुए, ठीक है? सो इसी के साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये है स्टे कोकी का ट्रांसपेरेंट जो वाइट कलर का जो पाउडर होता है, ठीक है, उसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे लूज़ पाउडर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने लूज़ पाउडर के साथ अपने फेस को सेट करना प्रेफर किया। एंड इसके बाद गाइज, मैं दोबारा से जो सेटिंग स्प्रे है उसके साथ पूरे बेस को लॉक कर रही हूँ, ठीक है? सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो बार सेटिंग स्प्रे यूज़ की है। इसके साथ हमारा जो मेकअप है, जो हमारा बेस है, वो अच्छे से लॉक हो जाएगा, ठीक है? सो पूरे फेस को सेट करने के बाद गाइज, हम यहाँ पे बनाएंगे हमारी आईब्रोज। यहाँ पे मैं ये देखिए बिल्कुल ट्रांजेक्शन शेड ले रही हूँ, बिकॉज मेरी आईब्रोज का जो शेड है वो थोड़ा सा ब्राउन में जाता है, तो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन शेड ले रही हूँ। अगर आपके हेयर्स ब्लैक हैं तो आप लिटिल बिट ब्लैक शेड ले सकते हो, ज़्यादा डार्क आईब्रोज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है, वो बहुत ही फेक लगती हैं। सो आपको बिल्कुल अपनी आईज़ के जो हेयर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आईब्रोज बनानी है। सो नेक्स्ट गाइज, इसी में से मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्पॉन्ज ब्रश। अगर आप चाहो तो सिंपल काजल वेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं हल्की सी स्मोकी लुक दे रही हूँ, ठीक है, हल्का हल्का सा उसे ब्लेंड कर रही हूँ लगाने के बाद। अगर आप सिंपल काजल लगाने के बाद जो हमारा ब्लैक आई शेड होता है उसके साथ उसे मर्ज कर लेते हो, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है कि आपका जो काजल है वो लॉन्ग लास्ट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज, बारी आती है मस्कारे की, आई शेडो, आई लाइनर। यहाँ पर हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा डे मेकअप लुक है एंड एवरी डे मेकअप लुक है, ठीक है। सो मस्कारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का मस्कारा। ये है आपकी जो आई लैश की लेंथ है उसे ये लेवल अप कर देता है, ठीक है, ये लेंथिंग मस्कारा है। अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो आप वाटर प्रूफ मस्कारा होता है वो यूज़ करें। एंड अगर आपको लेंथिंग के लिए चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एन बाय बे की ये पिंक कलर की लिपस्टिक वेयर की है, मो पिंक, क्योंकि यहाँ पे मैंने हल्का सा जो ब्लश लगाया है वो इसी लिपस्टिक के साथ, अगर आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसी के साथ मैंने लगाया था एंड इसी को मैंने एज अ ब्लश एंड लिपस्टिक यूज़ किया है।
सो गाइस कुछ इस टाइप से हमारी जो फाइनल लुक है बनकर रेडी होती है। एंड ये वाली इयररिंग्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो मैं इनका अलग से वीडियो अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत ही बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मैंने बाय की है, ठीक है। सभी का रिव्यू मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करूँगी। एंड कुछ इस टाइप से गाइज हमारी जो फाइनल लुक है बनकर रेडी होती है। कैसी लगी आपको बताना जरूर। अभी हम करेंगे वाटर टेस्टिंग। जी हाँ, यहाँ पे मैंने एक बॉल में वाटर ले लिया है एंड अभी मैं उसे अपने यू नो वन साइड फेस पे स्प्रेड करूँगी। आप देख सकते हो कितना सारा वाटर मैंने अपने पूरे फेस पे डाल रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे टिश्यू नहीं मिल रहा था तो मैं अपने हाथ से ही आपको डैप करके अच्छे से यू नो दिखा रही हूँ कैमरे के नियर करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मेकअप है वो बिल्कुल लॉन्ग लास्ट है, ठीक है। अगर आप बारिश में थोड़े बहुत गीले भी हो जाते हो तो आपका जो मेकअप है वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हो, मैं बिल्कुल कैमरे के नियर होकर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सो गाइज कैसा लगा आपको ये वाला मेकअप लुक बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जल्दी मैं आपके साथ और मेकअप लुक शेयर करूँगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बताना जरूर कि ये कटिंग मेरे फेस पे कैसी लग रही है, या मैंने ये करवाई है स्टेप कटिंग, ठीक है। ओके गाइज बाय, थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय गाइज़।